हम लोग हमारे सोलापुर महाराष्ट्र से हैं और बाकी गुजरात से हैं। यहाँ मैं जब भी आती हूँ बहुत सेफ एंड साउंड फील करती हूँ। इस तरह के प्रोग्राम्स कितने महत्वपूर्ण हैं ताकि टूरिस्ट से आके अट्रैक्ट। जी जी जी, जितने भी अभी गेस्ट आए बहुत खुश है, तो इसकी वजह से ऐसे प्रोग्राम करेंगे तो, और वैसे भी उनको पूरा एक्सपीरियंस जो हुआ है बहुत बढ़िया है। यहाँ की कश्मीरी जो बोलते हैं हम लोग मेहमान नवाजी, वो पूरी दुनिया में फेमस है, जो लोगों को यहाँ पे आने के बाद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं लोग। इसलिए मैं पूरी दुनिया के यानी जो भी टूरिस्ट हैं जिनको घूमना पसंद है उन्हें मैं इन्वाइट करूँगी कि आप एक बार आके यहाँ की खूबसूरत वादियों के साथ, यहाँ के खूबसूरत लोगों के साथ, इनके खूबसूरत नेचर को फील करो। कश्मीरी कल्चर देख कर आपको कैसा लगा और कैसा फील हुआ आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कश्मीरी कल्चर तो इतना खूबसूरत है, यहाँ के वादियों के जैसे खूबसूरत कल्चर है। तो कश्मीर आकर कैसा लगा इस तरह का प्रोग्राम देखकर? कश्मीर आके हमें बहुत अच्छा लगा और इस तरह का प्रोग्राम हमें देख के बहुत मजा आया, बहुत अच्छा है। और हम बार बार यही चाहेंगे कि हम हर बार कश्मीर आए, हर साल कश्मीर आए और ये इवेंट्स देखें। बहुत अच्छा है, रियली कश्मीर बहुत सेफ है, हमें बहुत मजा आया। और जो लोग कश्मीर नहीं आ सकते उन्हें भी हम इनवाइट करना चाहेंगे कि आप आए और ये कल्चरल प्रोग्राम देखें यहाँ की सारी प्लेसेस। तो इस तरह का प्रोग्राम कितना ज़रूरी है टूरिस्ट के लिए और क्या कुछ लगा आपको कश्मीरी कल्चर देखकर? कश्मीर कल्चर देख के हमें बहुत अच्छा लगा, इसका कल्चर रियली बहुत ही अच्छा है और इसे हमें बहुत बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। गुजरात से अहमदाबाद के पास नड़ियाद से आया हूँ, कश्मीर घूमने आया हूँ। मैं शिक्षक की नौकरी करता हूँ। तो सर आपको हमको ये प्रोग्राम अटेंड करके बहुत खुशी मिली। वैसे तो हम गुजरात से निकलने वाले नहीं थे, हमने सोचा था कि कश्मीर में तो बहुत कुछ चल रहा है, धमाल चल रही है, वो चल रहा है और बहुत ख़राब चल रहा है। लेकिन इधर आने के बाद हमको पता चला इधर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने भी सारे भैया थे सब भाइयों ने हमको बहुत सपोर्ट किया, सब जगह पर पहुँचाया, सब जगह पर घुमाया और हमको बहुत जगह पर सारी सुविधाएँ भी दी। हम कटरा से गुलमर्ग, सोनमर्ग, खिलमर्ग, अखरोट गार्डन, सोनमर्ग, हजरतबाल, खिरबाल, यंग लेक, श्रीनगर का जो तालाब है, दाल तालाब है, सब जगह पे घूमे। जो आपके दोस्त हैं बाहर उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप कश्मीर की? मैं ऐसा कहना चाहूँगा, अगर कश्मीर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कश्मीर पृथ्वी पर का स्वर्ग है, बहुत बढ़िया है और इधर कोई धमाल ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांति है और आने में बहुत मज़ा आता है। मैं मोहम्मद याकूब दुलू और मैं खुद हाउस बोट ऑनर हूँ और उसके अलावा मैं प्रवक्ता हूँ कश्मीर हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन का। सर आज के इस प्रोग्राम के बारे में बताइए, कितने टूरिस्ट आए और कितना अच्छा लग रहा है और आइंदा ऐसा चाहते हैं आप? जैसे कि आपको मालूम है पिछले एक दो महीने से जब से यहाँ से होम मिनिस्टर श्री अपने होम मिनिस्टर जी आए हैं यहाँ पे कश्मीर के दौरे पे और तब से यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म यहाँ पे इवेंट्स में इवेंट करते जा रहे हैं, इसलिए कि जम्मू कश्मीर को प्रमोट करें और ख़ास कर ये मैसेज दीजिए अक्रॉस द ओशन क्या पूरी अपने देश को कि जम्मू कश्मीर सेफ है टूरिस्ट के लिए। तो जितना यहाँ जम्मू कश्मीर सेफ टूरिस्ट के लिए शायद दुनिया में ऐसी कोई जगह हो जो सेफ हो। हाँ, कुछ ऐसी नेशनल चैनल्स को छोड़ के जो यहाँ की छवि ख़राब करते हैं ये कह के कि कश्मीर टूरिस्ट के लिए सेफ नहीं है, आज उनको शायद ये जवाब मिल चुका है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे ये लोग आ गए, चाहे सोलापुर से है या फिर गुजरात से है, जो पूरा 10-12 दिन हमारे साथ टूर पे है और जिस तरह उन्होंने कटरा के वैष्णो देवी के दर्शन किए, यहाँ पे पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग लोकल के विजिट्स किए, उसके बाद जो फास्टर उनको मिला जैसे कि उनको लगा कि वो अपने स्टेट में है, ऐसा कोई अचकने या रोड़े नहीं आए जैसे कि पहले कहा जाता था कि स्टूल पल्टर्स या बाकी चीज़ें, ऐसा कोई वाका नहीं हुआ उनके साथ। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस हमारी भी ख़राब रही उनके प्रोग्राम के दौरान, ये तो चलती रहती है, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं सफ़र में, उनको हमने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन इन द नटशेल मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे ये आपकी इन चलों की वसादत से मैं पूरे देश के जो सिटीजन्स हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, कश्मीर उनके लिए उतना ही सेफ है जितना वो अपने स्टेट्स में महसूस करते कि वो सुरक्षित है। जी।